Hello everyone, welcome to our YouTube channel Aryan Study Success Point. तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल Aryan Study Success Point पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों. जी हाँ, आज जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, आज 11th का जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11th का मैथ का. तो आज जो हम लोग देखो बच्चों, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें. तो आज जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सेट्स जो है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा 11th में सेट्स है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेट, चैप्टर का नाम है सेट. सेट तो सेट्स क्या होता है, चले पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो सेट क्या होता है बच्चों, सेट जो अगर हम सेट की बात करें तो सेट क्या होता है, सेट इज क्या होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि देखो सेट्स, इसका मतलब यह होगा कि किसी भी ग्रुप ऑफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वेल डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखो, देखो ज्यादा सही रहेगा, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, देखो यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन का वो वेल डिफाइंड अच्छे से करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग जो बच्चों क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे. जैसे हम लिखे कि अल्फाबेट बोले, जैसे अब ए बी सी डी ई एफ जी ए से जेड, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नंबर, इसमें क्या हो रहा है कि पूरा ग्रुप इस तरह से कर, जैसे हम लिखे इस तरह. देखो बच्चों, जो सेट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एक बार सीधा एस और एक बार इस तरह से एस बनाएंगे, जैसे ए बी सी डॉट 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 जेड. तो ये जो है सेट क्या बना रहा है, पूरी अल्फाबेट का क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन है पूरा अल्फाबेट का, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट. इसी तरह से और बोले कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल, नंबर से हो गया किसी भी तरह से, तो इस तरह से आ रहा बच्चों समझ में, तो ये हमारा सेट हो गया. तो देखो उससे भी पहले, हम कराने से पहले इसके बारे में तो हम थोड़ा डिटेल में और भी पढ़ाएंगे, उससे भी पहले बच्चों तो थोड़ा बेसिक चीज नंबर के बारे में आप लोग बेसिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं नंबर्स के बारे में, कि आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बिना जो है आप लोग बच्चों, इसके विदाउट जो है हम लोग, क्योंकि ये बेसिक जो हमारा सेट में यूज होगा, इसके विदाउट हम लोग नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ये आपको थोड़ा डिटेल में करा देते हैं. सबसे पहले कि नंबर क्या होता है, हम लोग किसे शॉर्ट फॉर्म में किसे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें अगर जो रियल नंबर, क्या होता है बच्चों, रियल नंबर. रियल नंबर में मतलब क्या हो गया, रियल नंबर हो गया स्टूडेंट्स जो भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर, जैसे रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया, ऑल काउंटिंग नंबर. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रियल नंबर्स. जो हो गया दो तरह से होता है, देखो एक तो रेशनल नंबर, एंड दूसरा क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर. क्या होता है, इरेशनल नंबर. अगर जब हम रेशनल नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. इरेशनल जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा. जैसे अगर जो हम रेशनल नंबर की बात करें तो माइनस टू हो गया, वन अपॉन फोर हो गया, फोर हो गया, ठीक है बच्चों, माइनस फाइव अपॉन सिक्स हो गया, ये भी जो भी जितना ये रेशनल नंबर है. इरेशनल की बात करें तो आप लोग देखो नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, टेंथ क्लास में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया. अब कुछ बच्चों ये भी सोचेंगे, बोलेंगे सर रूट टू को तो हम रूट अपॉन वन लिख सकते थे, बट नहीं, क्योंकि रूट टू का हम डेसिमल में आप पढ़े थे, रूट टू जो है क्या है, रियल वैल्यू इसकी नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू नहीं है, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है. आ रहा बच्चों समझ में, तो हम लोग इस तरह से पढ़े थे रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में. और जो था देखो उसके बाद जो था बच्चों, हम लोग जो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर. क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो बच्चों क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ वन, यानी कि हम बोलेगा जो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब इनफिनाइट तक जो भी है, तो ये नेचुरल नंबर है. यानी कि जो नंबर वन से स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर होता है. ओके, एंड अगर जो हम होल नंबर बोले, क्या बोले बच्चों, होल नंबर, तो होल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, होल नंबर जो होता है बच्चों वो क्या होगा हमारा, जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, ये हमारा जो होगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा. तो नेचुरल नंबर था, होल नंबर हो गया. उसके बाद हम लोग देखो और पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल रेशनल पढ़ लिए बच्चों. इंटीजर, इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स की जो बात करें बच्चों, तो वैसा नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें दोनों आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों. ठीक है बच्चों, जैसे यहां से जीरो हो गया, वन टू थ्री, इधर इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन माइनस टू
-3, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो सारा जो हमारा स्टूडेंट्स हो गया, ये हमारा क्या जाएगा, इंटीजर्स हो गया। अरे बच्चों इंटीजर दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर चेंज होता है, देखो बच्चों रियल नंबर हम लोग पढ़ लिए, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हो गया, फिर प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, देखो इस तरह से। और जो है प्राइम नंबर क्या स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर देखो बच्चों, जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिसका ओनली ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, यानी कि सिर्फ जिसका दो ही फैक्टर होगा बच्चों, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, 3, ठीक है बच्चों, 5, 7, ठीक है 11, etc. ये जो सारा है बच्चों, ये क्या है, प्राइम नंबर है। आरा स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट? आफ्टर देन देखो, जो प्राइम नंबर जो है, उसके बाद जो था बच्चों, प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो बच्चों क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि जिसे दो फैक्टर से ज्यादा होता जिसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल्स 4, 6, 8, 9, 12, ठीक है 10, etc. ये सारे जो होगा कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद जो था ऑड और इवन के बारे में आप लोग तो पढ़े होंगे आप, ठीक है बच्चों। ऑड नंबर जो क्या होता है, ऑड नंबर जो होता है बच्चों जी, जो ओनली 2 से कटता हो, ठीक है, यानी कि जिसके नंबर हैड एंडिंग भी 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड ऑड नंबर। और उसके बाद जो इवन नंबर था बच्चों, जो 2 से ज्यादा करता है। और 1 देखो बच्चों क्या, 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर है। 1 का एक अलग ही डिफिनेशन हो गया। प्राइम और कंपोजिट की बात करें कि 1 किस में आएगा, तो 1 जो है बच्चों ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। आ रहे बच्चों समझ में? तो ये जो था कुछ हमारा नंबर्स के बारे में, हम लोग डिटेल थोड़ा पढ़ लिए, एक बार रिवीजन हो गया, क्योंकि इसके बिना जो है क्वेश्चंस में जब हम लोग ग्रुप में करेंगे तो बोलेंगे कलेक्ट इंटीजर्स क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 2, 8, तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम थोड़ा एक बार बेसिक करा दी। अब जो है बच्चों की कुछ को, जैसे हम ये प्राइम नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इसे हम शेड्स में शॉर्ट टर्म में किससे लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो है प्राइम नंबर हो गया, ये सबको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किसे किसके फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा ये हम बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखो बच्चों, कैपिटल एन, और जब कैपिटल एन बोले स्टूडेंट, कैपिटल एन अगर जो बोले तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर जब आ रहे बच्चों सर, और जब कैपिटल एन की बात करें तो जो एन जो होता है बच्चों क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद अगर जो जेड हम बोले बच्चों, क्या जेड, तो अगर जो जेड बोले बच्चों तो सेट्स, जेड से रिप्रेजेंट किसे करते हैं, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर। क्या होगा बच्चों, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि जो जेड होता है बच्चों, ये क्या होता है, इसे हम जेड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर देन बच्चों क्या था हमारा, क्यू मतलब क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी कि जेड हम लोग क्यू को जो है स्टूडेंट्स, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को जो है रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद आर, कैपिटल आर, देखो जो भी सेट्स होता है ना, सम कैपिटल सेट्स जो होता है, हम उसे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। आर जो है बच्चों क्या होगा, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर, क्या होगा स्टूडेंट, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। आफ्टर देन आर के बाद जो है बच्चों, आर के बाद होता है जेड प्लस। अगर जो जेड प्लस की बात करें तो देखो, जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और प्लस मतलब पॉजिटिव, यानी कि सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या जाओ बच्चों, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आ रहा स्टूडेंट समझ में? अगर जब वही जेड माइनस मतलब हो गया बच्चों, और जेड माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव, और क्यू प्लस मतलब सेट्स ऑफ ऑल ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर उसके बाद और बात करें कि आर प्लस की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। जहां भी प्लस की साइन आ गया ना स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सेट्स ऑफ ऑल क्या आ जाएगा बच्चों, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था, देखो बच्चों, ये था जो हमारा क्या है कि हम किसी भी सेट्स में ये सारे नेचुरल, अब हमें सारे नेचुरल नंबर को बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, और दे दिया क्वेश्चन में कि n बिलोंग्स टू ऑल, यानी कि n हमें सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, तो उससे क्वेश्चन में शॉर्ट में भी लिखेगा कि n बिलोंग्स टू, जो a है वो हो गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल n है, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे कि जो भी नंबर है वो जहां पे लिख रहे हैं a b c वो बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर से वो बिलोंग कर रहा है। आ रहा बच्चों सन, तो ये था हमारा कुछ बेसिक डेफिनेशन। अब जो है बच्चों हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अब जो है बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, आई होप कि आप लोग को देखो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये दो जो देखो बच्चों डायरेक्ट एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस भी हम लेंगे इसके ऊपर, एट फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बिल्कुल आप जैसे 11th में आपके लिए नहीं हुआ, तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर जो नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन देखोगे कि ऐसे हुआ दूसरे क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर अदरवाइज इफ अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तब देखो बच्चों, अभी हम आपको बता रहे थे सेट के बारे में, ठीक है बच्चों, तो सेट के बारे में हम आपको बता रहे थे। देखो तो पहले सेट होता क्या बच्चों, तो सेट क्या होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बता रहे थे, अभी दोबारा से हम लिख देते हैं। देखो सेट्स, सेट हम क्या बोलते हैं, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ बच्चों, वेल डिफाइंड मतलब हुआ कि जैसे हम वो ग्रुप में सारे वो जो पूरे कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन है हम लिख रहे, किस चीज का कलेक्शन है, ग्रुप है, समूह है, तो बिल्कुल अच्छे से क्या करें, रिप्रेजेंट उसमें करें, तो ये सेट होता है। ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एक वेल डिफाइंड, जैसे हम बोले, अब जैसे हम बोले कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, क्या बोले, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइन कर रहा है, किसी 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर भी बताते क्या होता है, सबको पता है। और जो बोले कि फर्स्ट फाइव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8 सबको पता है, किसी से भी आप पूछोगे 2, 4, 5, 6, 8 यही हुआ। आ रहा स्टूडेंट्स समझ में, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट्स के फॉर्म में हो गया। आ रहा बच्चों, इस तरह से बोले कि देखो यहां बोले थे, हम बता रहे थे कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, टू, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, देखो किसी से भी आप बोलोगे तो यही बताएगा कि आपको फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से। आप किसी से पूछोगे कि वोवेल, ठीक है, कौन वोवेल, तो वोवेल ए ई आई ओ यू, ये जो हमारा है बच्चों ये क्या हो गया, ये वोवेल के टर्म में आ गया। आ रहा बच्चों सन, तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि क्या होगा, अब देखो नॉट वेल डिफाइंड, अब हम यहां पे बता रहे थे कि वेल डिफाइंड तो ये था, नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, अब नॉट वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ कि अलग से डिफाइन नहीं बोलेगा। अब जैसे हम बोल दिए कि अब हम बोले जैसे बच्चों की किसी भी हमारा टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया या जो फेवरेट प्लेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, आवर फेवरेट प्लेयर, तो फेवरेट प्लेयर क्या होगा, आपका कोई और हो सकता है, हमारा कोई फेवरेट प्लेयर और होगा, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। फेवरेट लीडर, तो हमारा नेता कोई और लोकप्रिय नेता, आपका नेता कोई और लोकप्रिय हो सकता है, तो ये जो है बच्चों क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड हो गया। आरसन में बच्चों नॉट वेल डिफाइंड मतलब ये हुआ कि जो पूरे अच्छे से नहीं, सबका अलग अलग हुआ, वेल डिफाइंड मतलब कि आप किसी से भी पूछोगे तो वही बताएगा आपको कि हाँ एक ही चीज होता, तो वो वेल डिफाइंड होता। और नॉट वेल डिफाइंड मतलब कि अलग अलग, एक पूरे अच्छे से उस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा, तो क्या होता, नॉट वेल डिफाइंड। अब देखो बच्चों जो था एक और, जो सेट को बच्चों हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अभी हम बताए थे, यहाँ पे नोट देखो, नोट करके लिखना कि सेट, सेट्स इज ऑलवेज ऑलवेज रिटेन रिटेन इन कैपिटल लेटर, इन कैपिटल लेटर, यानी कि सेट्स को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आ रहा बच्चों समझ में, तो इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देखो बच्चों, और जो हमारा नेक्स्ट था इसके बेस पे, फिर अब हम लोग जो पढ़ेंगे कैसे सेट्स को लिखेंगे किसके किसके फॉर्म में। अब जैसे देखो बच्चों क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर था, तो उसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना था, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर में अगर जो था, तो उसे हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फाइव नेचुरल, 1, 2, 3, 4, 5,
इस तरह से था, या नेचुरल नंबर का हमें लिखा, तो कैसे लिखेंगे? देखो फर्स्ट पार्ट, यानी कि हम यहां से लिखेंगे ए, या ए, और ए इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, इस तरह से हो गया हमारा ये कर्ली ब्रैकेट का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। और जो आप ऐसे लिख दिए, इस तरह से ब्रैकेट लगा दिए 2 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आपका गलत हो जाएगा, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सेट से आप हम बोल रहे कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, इसे हमें सेट में लिखना था। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से हम लोग देखो उल्टा एस बनाए। ठीक है बच्चों, ये तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेट्स बनाएंगे किसी भी के फॉर्म में। आ रहे बच्चों समझ में सेट के? अब जो नेक्स्ट है, जो है बच्चों स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के बारे में। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में, कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखो एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, फिर आप एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल आराम से करोगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसलिए बार बार बोले कि पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब नेक्स्ट जो था, हम बच्चों बता रहे थे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी कि जो सेट्स का बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या बताते हैं बच्चों, कि सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगा बच्चों, ए सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर, यानी कि जो सेट्स है बच्चों उसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मतलब देखो क्या होगा बच्चों, कि अब जैसे हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, जैसे ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, इस तरह से हम सेट बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से था, अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी हम आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, जैसे 2 लिख दिए 3 4 5, तो इस तरह से भी हम लिखे 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए ओनली, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एनी ऑर्डर में। तो ये हमारा क्या था, ये जो था सेट इन रिटर्न इन द एनी ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनी ऑर्डर। और नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो इसमें जो ये जो होता है ना बच्चों, इसे 1 2 3 4, ये सेट्स का क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स इसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे किसी भी ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो था सेट, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट्स, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, सेट्स कैन नेवर बी, ठीक है, इन रिपीटेड ऑर्डर, सेट्स कैन नेवर बी, जो सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो उसका जो सेम एलिमेंट होगा, एलिमेंट जो होगा सेट्स का, एक बार एक ही एलिमेंट दो बार हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वन था, तो हम दो वन को दो बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, और जब वो दिया होगा दो बार तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, यानी कि जो एक ही एलिमेंट्स को हम अलग अलग नहीं रिपीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो बच्चों, लिखे ए इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 5, इस तरह से अगर जो मान लो कुछ हम इस तरह से लिखे बच्चों, इस तरह से अगर जो हम लिखे, ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर जो हम लिखे, तो इसे हम देखो कैसे लिखेंगे, एक्चुअली इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 5, इसे हम ना रिपीट करके नहीं लिखेंगे। और जैसे हम यहाँ पे कोई एक वर्ड लिख दिया, कोई एक वर्ड लिखे यहाँ पे, यहाँ पे हम कोई भी एक वर्ड लिखे, जैसे बच्चों देखो ए डबल पी एल ई, ठीक है बच्चों, एप्पल लिखे, इसे एप्पल को हमें लिखना था सेट्स के फॉर्म में। सेट्स के फॉर्म में अगर हम एप्पल को लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए फिर पी, देखो पी दो बार आ रहा है तो एक ही बार हम लिखेंगे ई, ये जो है दोनों इस तरह से हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम दो भी कोई भी एक ही नंबर को दो बार हम लोग रिप्रेजेंट रिपीटेड नहीं करेंगे। तो ये था, अब देखो बच्चों इस तरह से था कि हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स जो होता है देखो बच्चों दो टाइप्स का होता है, एक टेबुलर फॉर्म एक रूस्टर फॉर्म। ओके बच्चों, क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है एंड एक रूस्टर फॉर्म होता है। तो देखो हम एक करके दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, रूस्टर फॉर्म क्या होता है। ओके बच्चों, तो यहां से होगा हाउ, यानी कि टाइप्स ऑफ टेस्ट, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स, यानी कि हम लोग सेट्स को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इसे आप ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कौन कौन सा, एक तो होता है टेबुलर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म मेथड, टेबुलर मेथड, एंड एक जो होता है बच्चों, एक जो होता है रूस्टर फॉर्म मेथड। क्या होता है बच्चों, रूस्टर फॉर्म मेथड, रूस्टर
फॉर्म मेथड। अब देखो बच्चों दोनों क्या है, दोनों जो क्या है टेबलर फॉर्म मेथड और स्ट्रक्चर फॉर्म मेथड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। टेबलर फॉर्म और इसी का देखो सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या इसी को सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है और रूस्टर फॉर्म है। अब देखो बच्चों रूस्टर फॉर्म जो क्या होता है, रूस्टर फॉर्म क्या होता है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा जो हमें लिखा होगा पहले रूस्टर, अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग लिख रहे थे बच्चों, जो अभी लिख रहे थे वो क्या था, वो जो था एक्चुअली क्या था, रूस्टर फॉर्म था। अभी जैसे हम यहाँ पे बोले रूस्टर फॉर्म की बात करें तो इसे नंबर 2, 4 ठीक है, 6, 8 इस तरह से अगर हम जो लिखे 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर हम जो भी नंबर लिखे, जो भी हम इस तरह से लिखे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, ये जो हमारा है बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो गया रूस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग रूस्टर फॉर्म में हम जो है बच्चों इस तरह से लिखेंगे। आफ्टर देन जो था बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, क्या था बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, इसी को नंबर में कैसे लिख सकते, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है एक्स, देखो इस तरह से इसे हम लोग पढ़ेंगे एक्स इज सच डैट, ठीक है, एक्स से इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अब यहां से जो था हमारा ए जो है ए इक्वल टू एक्स इज सच डैट, यानी कि एक्स इज सच डैट क्या है, यहाँ पे x जो था, अब देखो ये क्या था बच्चों इसी के, मान लो इसी को हमें लिखना फर्स्ट, अब x इज सच डैट क्या 2, 4, 6, 8 क्या था, 2 का टेबल बन रहा था, क्या है बच्चों 2 का टेबल है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, क्या फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, या उसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर, इवन नंबर है देखो 2, 4, 6, तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज सच डैट, x इज सच डैट, x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर, x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके फॉर्म में हम लोग लिखेंगे x इज, ये हमारा जो था बच्चों, ये जो हमारा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर जो हम यही से और लिखे सेट बिल्डर, अगर जो हम यहां पे लिखे कि देखो इस तरह से a इक्वल टू सच डैट 1, 2, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखे इसके फॉर्म में लिखे, तो ये देखो क्या है, अब ये क्या है, आप यहां से देख सकते हो क्या है, ये क्या है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, क्या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे a इक्वल टू एक्स इज सच डैट एक्स इज फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, क्या है बच्चों एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा समझ में, तो इसके बेस पे इस तरह से था, ये जो हमारा था क्या था, ये जो था हमारा बच्चों क्या था, ये जो था एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसके बेस पे हम लोग कर रहे थे, आ रहा बच्चों इस तरह से, तो हमें ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी के देखो बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो है देखो बच्चों आपको करा रहे, ठीक है स्टूडेंट, जब तक एक बार इसे आप लोग चाहो तो देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है फर्स्ट एक्सरसाइज का आपको करा रहे कि क्या था, उसके बेस पे हम लोग करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, अब आप लोग देखो 1.1 निकालना, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन जो था कराएंगे। सबसे पहला देखो बच्चों जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है बच्चों देखो क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है हमारे पास भी है, आप यहाँ से देख लेना, आप क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे बताएंगे। क्वेश्चन में था बच्चों की विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, क्वेश्चन में था कि इसमें से कौन सा सेट्स है और कौन सा नहीं है, और साथ साथ में आपको आंसर भी जस्टिफाई करना। तो सबसे पहले नंबर देखो था बच्चों, सबसे फर्स्ट है मान लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अब देखो बच्चों, अब ये बताना था कि ये सेट्स है या नहीं, और आपको आंसर भी जस्टिफाई करना। तो देखो क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि जितने भी मंथ जो है
जे महीने से जितने भी मंथ स्टार्ट होता है उसका हमें कलेक्शन, तो जे महीने जे मंथ से कौन कौन सा स्टार्ट होता है बच्चों, हम लोग देखो आराम से लिख सकते जे मंथ से जनवरी हो गया, ठीक है जनवरी, उसके बाद देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है जनवरी जून, ठीक है इस तरह से जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तीन ही होता है। अब देखो ये क्या है, ये जो क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसी से भी आप पूछोगे किसी से भी सब बताएगा कि जे मंथ से जैसे कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है जनवरी जून जुलाई, कोई ये नहीं बताएगा ना अलग, सब सेम है। तो क्या है वेल डिफाइंड है, ये क्या है वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सेट्स है, क्वेश्चन में ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसे लिखेंगे इट इज द सेट्स बिकॉज इट इज द वेल डिफाइंड, ये क्या है अच्छे से डिफाइन कर रहा था, ये एस हो जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों? इसी तरह से देखो सेकंड में था, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है देखो द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के कौन है। अब देखो जो टैलेंटेड राइटर क्या हो सकता है, हमारे लिए विलियम शेक्सपियर थे, अलग अलग कोई राइटर्स हो गए, उनके लिए आपके लिए कोई और होंगे, महादेवी वर्मा तो कोई थे तो कोई और थे, सबका अलग अलग होता है। टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर जरूरी नहीं है सबका अलग अलग, हमारे लिए टैलेंट कोई और होगा, आपके लिए टैलेंट कोई और होगा, तो क्या है वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये क्या है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये चीज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेट्स, ये जो है वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, इसलिए जो क्या है सेट्स नहीं होगा। आ रहा बच्चों समझ में? इस तरह से हमें करना था। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या था, थर्ड क्वेश्चन में था टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो क्या था, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो जो टेन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर वर्ल्ड, यानी कि जो पूरी वर्ल्ड का टेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, तो देखो हमारे लिए हो सकता है कोहली है, धोनी हो जाएगा, इस तरह से शिखर धवन रोहित शर्मा हो गया, युवराज सिंह, आपके लिए कोई और होगा, ऑस्ट्रेलिया है तो उसके लिए कोई और हो जाएगा, जो अलग अलग है कंट्री का उसका अपना अपना प्लेयर, किसी का फेवरेट अलग हो सकता है, तो हम एक वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, इसे नहीं बोल सकते कि सबका अपना अपना अलग होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज द नॉट सेट्स, तो ये भी सेट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आंसर आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे, तो बिकॉज इट इज द फेवरेट टीम ऑफ द 11 बेस्ट बैट्समैन इज डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है ऑफ द डिफरेंट पीपल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सेट नहीं होगा। थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ में देखो इसी टाइप का जो फोर्थ था, फोर्थ में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, क्या था देखो हम क्वेश्चन बोल के लिख रहे ऐसे, क्या था ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, यानी कि तुम्हारे स्कूल में सारे बच्चों का कलेक्शन। आज देखो बच्चों आपको पता कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, मान लो टोटल 100 स्टूडेंट्स है, मान लिए कि टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो इसमें 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स है। आ रहा बच्चे समझ में? और 60 जो है वो क्या है बॉयज है। अब पूरे बॉयज का कलेक्शन देखो, आप हमसे भी पूछोगे तभी बताएंगे कि 60 बॉयज है हमारे स्कूल में, आप किसी दोस्त से पूछोगे भी 100 बॉयज ही बताएंगे, कुछ क्लास स्कूल में छोटे बच्चे से भी पूछोगे वो भी 100 बॉयज ही बताएगा, तो क्या वेल डिफाइंड है नंबर ऑफ जो बॉयज इन स्कूल आर, क्या वेल डिफाइंड है, सेम ही है, ऐसा नहीं है ना कि हम पूछे तो बोलेंगे नहीं 10 है, वो पूछेगा तो नहीं 100 है, वो पूछेगा तो नहीं 50 ही है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट्स हो सकता है, यानी कि ये वेल डिफाइंड है, ये क्या है वेल डिफाइंड है, देयरफॉर दैट्स व्हाई इट इज सेट्स, इसलिए क्या होगा बच्चों ये सेट्स होगा। आफ्टर देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है देखो बच्चों द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या था कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटा छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन, तो 100 से छोटा क्या होगा, देखो 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 99 तक लेस देन 100, वेल डिफाइंड है, कोई भी पूछेगा तो आप 1 से लेकर 99 तक ही बचाएगा बताएगा, यहां पूछोगे किसी बच्चों से पूछेगा किसी अदर कंट्री में भी पूछोगे तो वही बताएगा, तो क्या एक वेल डिफाइंड है, क्या एक वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज द सेट्स, ये क्या हो जाएगा इट इज सेट्स।
इट इज सेट्स, इसे हम बोल देंगे इट इज सेट्स। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता तो हम बोलेंगे इट इज नॉट सेट्स। आ रहा स्टूडेंट समझ में? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो था देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है, देखो जो नेक्स्ट था बच्चों, द कलेक्शन ऑफ और नेचुरल, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल रिटन बाय, रिटन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, यानी कि पूरे नॉवेल का कलेक्शन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो हो सकता है हमें नहीं पता होगा, किन्हीं को पता होगा, नहीं पता होगा तो इंसान गूगल करके देख लेगा कितना, बट उनके कितने नॉवेल लिखे वो तो फिक्स है, पता है, कहीं भी आपका आंसर वही होगा जो एक्चुअली वही बताएगा। आर स्टूडेंट समझ में? तो ये तो क्या सेम है, वेल डिफाइंड है, कितने नॉवेल लिखे वो तो फिक्स है, कितने लिखे होंगे उन्हें पता है बहुत सारे, तो कहीं भी नहीं तो हम लोग गूगल जाके देख लेंगे, पता हो जाएगा एक्चुअली कितना नॉवेल है वो लिखे है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, therefore that's why it is a sets, क्या ये एक सेट है, क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड है, कितने नॉवेल लिखे हैं ये फिक्स है, कितने नॉवेल लिखे हैं। आ रहा बच्चों, हम काउंट कर सकते हो कितने नॉवेल लिखे हैं। आ रहा बच्चों समझ में? तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, द कलेक्शन ऑफ और ऑल इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स, देखो आप इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या हो सकता है बच्चों, इवन इंटीजर्स, तो जितने भी है मान लो इवन इंटीजर्स हो गया, तो इधर 2, 4, 6, 8 आ रहे बच्चों, सो ऑन, इस तरह से। तो क्या वेल डिफाइंड है, सेट तो हो सकता है, 2, 4, 8, 6 जितने भी है यही होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इनफिनाइट तक, तो ये भी क्या होगा, एक सेट हो जाएगा, क्या होगा एक स्टूडेंट, ये भी सेट होगा। तो इस तरह से क्योंकि वेल डिफाइंड है, इवन इंटीजर्स हम बोल रहे हैं, इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इन्फिनिटी तक आ रहा समझ में? तो पूरे इवन नंबर का इंटीजर का कलेक्शन होगा, तो ये क्या, इसलिए वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सेट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर जी तो था देखो बच्चों, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस का कलेक्शन था हमें ये बताना था। तो हम देखो काउंट कर लेंगे कितने नंबर का क्वेश्चन फिक्स है ना, ऐसा नहीं है तो घटे बढ़ेगा, हमारे कुछ आ रहे उसमें कुछ आ रहे, क्योंकि सारे में तो फिक्स ही क्वेश्चन है। तो ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट्स। आ रहा बच्चों सन आफ्टर दिन, इसी तरह से था, इसी तरह से था बच्चों कि अब देखो इस तरह से था नाइन्थ में जो है बच्चों, एक कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, अब ये नहीं बोला कि फेवरेट एनिमल्स, फेवरेट होता तो हो सकता था हमारा कुछ और था आपका कुछ और है, बट ये डेंजरस एनिमल खतरनाक जानवर, तो ये देखो खतरनाक जानवर का कलेक्शन क्या, ये तो फिक्स पता होगा कितना, हमें नहीं पता होगा, डिस्कवरी वालों को पता होगा, ज्योग्राफी लैंडस वालों को, वाइल्ड लाइफ वालों को, उन लोगों को तो पता है जो रिकॉर्ड सबका रखता है हमारा वुल्ड एनिमल से रिलेटेड, तो उन्हें तो पता होगा कि कितना डेंजरस है, खतरनाक पूरे जीव कितने हैं हमारे अर्थ पे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट्स, दैट व्हाई इट इज अ सेट्स, अदरवाइज इट इज नॉट सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था, बाकी जो हम लोग बच्चों, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।